नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक एमबीए चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्केगोस कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में, जिसने रिसेंटली अराउंड 20 बिलियन डॉलर्स का लॉस किया इन जस्ट 2 डेज। एंड हेंस इसी की वजह से इस फर्म को बहुत ही बड़ा मार्जिन कॉल फेस करने को मिला एंड काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को भी काफ़ी लॉस हुआ था। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि वॉट एक्चुअली हैपेंड। तो 26 मार्च 2021 को एक कंपनी नेम्ड आर्केगोस कैपिटल ने अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन डॉलर्स के पोर्टफोलियो पर लिए हुए लोन्स पर डिफॉल्ट किया था ड्यू टू इनकेपेबिलिटी ऑफ रीपेमेंट। आर्केगोस कैपिटल के ओनर बिल हुआंग ने इस कंपनी के पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा लेवरेज कर रखा था, अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स यूजिंग बोरोड मनी। आर्केगोस कैपिटल का पोर्टफोलियो एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था, जिसमें काफ़ी सेलेक्ट स्टॉक्स में काफ़ी हाई एक्सपोजर था। हेंस इट वॉज अ पुअर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो एंड जिसकी वजह से पोर्टफोलियो रिस्क भी काफ़ी हाई था। फर्म ने काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे इन फ्यू स्टॉक्स ओनली, जैसे कि वाईकॉम, सीबीएस, डिस्कवरी, बाइडू एट्सेट्रा। तो मार्च 2021 में एक ऐसा सिनेरियो हुआ कि ड्यू टू सम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आर्केगोस कैपिटल के पोर्टफोलियो के कुछ कंपनी के शेयर्स, जैसे कि वाईकॉम, सीवीएस एंड डिस्कवरी के शेयर प्राइस गिरने लगे। सिंस आर्केगोस कैपिटल ने अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी हाईली लेवरेज कर रखा था, हेंस आर्केगोस कैपिटल को मार्जिन कॉल फेस करना पड़ा था। जब भी कोई कंपनी या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने ब्रोकर्स या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स से लेवरेज पर शेयर्स बाय या सेल करता है, देन उसको एक मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन केस ऑफ एनी सिवियर लॉस, वो ब्रोकर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक आपके शेयर सेल करके अपना लॉस रिकवर करने का ट्राई करता है। बट आर्केगोस कैपिटल के केस में मार्जिन कॉल इतना हाई था कि इवन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को काफ़ी लॉस हुआ, इवन जब उन्होंने बिल हुआंग की होल्डिंग्स को ओपन मार्केट में सेल किया। ये एक रिस्क मैनेजमेंट फेलियर था ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिंस ज़्यादा कमीशन फीस एंड प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने आर्केगोस कैपिटल को बहुत ज़्यादा लेवरेज दे दिया था। कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे कि क्रेडिट स्वीस को 4.7 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ एंड नोमूरा को 2 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। आर्केगोस कैपिटल के ब्लोआउट के पीछे उसके ओनर बिल हुआंग का काफ़ी बड़ा रोल था। हेंस इसलिए बिल हुआंग के बारे में अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। बिल हुआंग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे एंड इवन बिफोर द क्राइसिस वो एक सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करते थे, अवे फ्रॉम ऑल द लग्जरीज। बिल बिलीव्ड इन द एक्ट ऑफ गॉड एंड हेंस इसीलिए वो चर्च काफ़ी ज़्यादा जाते थे एंड उनकी फिलेंथ्रोफिक एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी पार्ट लिया करते थे। बिल हुआंग का एक कसिनो लाइक गैम्बलिंग ट्रेड था इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, हेंस वो बहुत ही हाई रिस्क वाले ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट करते आए हैं थ्रू आउट हिज करियर। बिल ने अपने करियर का स्टार्ट उस टाइम के सबसे बड़े एंड सक्सेसफुल हेज फंड टाइगर मैनेजमेंट से करी थी। 2008 में बिल हुआंग टाइगर एशिया मैनेजमेंट हेज फंड रन कर रहे थे एंड ऑल्सो उस टाइम वो विक्टिम बन गए थे वोक्सवैगन शॉर्ट स्क्वीज का, जिससे उनके फंड को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा था। इन्वेस्टर्स भी काफ़ी नाराज थे बिल हुआंग से, क्योंकि टाइगर एशिया मैनेजमेंट केवल एक एशिया स्पेसिफिक फोकस फंड था एंड वोक्सवैगन कंपनी यूरोप में लिस्टेड थी। तो इन्वेस्टर्स इसलिए नाराज थे क्योंकि एक एशिया स्पेसिफिक फंड यूरोप में इन्वेस्ट करना था, विच इज़ अ ब्रीच ऑफ इन्वेस्टर्स ट्रस्ट। 2012 में बिल हुआंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्ज पर गिल्टी साबित हुए थे एंड उनको SEC से ये केस सेटल करना पड़ा था आफ्टर पेइंग अ ह्यूज फाइन। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कि सिस्टम के अंदर वो रेगुलेटरी फ्लॉ क्या है जिसकी वजह से आर्केगोस कैपिटल ने इतना ज़्यादा लेवरेज लेकर मार्केट्स में अपनी पोजीशंस बनाई। आर्केगोस कैपिटल एक फैमिली ऑफिस की तरह सेटअप एंड स्ट्रक्चर किया गया था इन 2013 आफ्टर बिल हुआंग्स इनसाइडर ट्रेडिंग चार्जेस। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग फैमिली ऑफिस सेटअप करने से ये है कि एक फैमिली ऑफिस को काफ़ी कम रेगुलेटरी फाइलिंग्स एंड डिस्क्लोजर्स देनी पड़ती हैं SEC को, जो कि US का मार्केट रेगुलेटर है, जस्ट लाइक SEBI इन इंडिया।
यूएस में ये रूल है कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल किसी भी सिक्योरिटी को बाय या सेल करते टाइम मोर देन 50% से ज़्यादा के लेवरेज नहीं ले सकता ऑन बोरोड मनी। बट ऐसा कोई भी लिमिट हेज फंड्स एंड फैमिली ऑफिसेज के लिए अप्लाई नहीं होता है। हेंस इसी रूल का फ़ायदा उठाते हुए आर्केगोस कैपिटल ने स्टेडिली अपना लेवरेज इंक्रीज कर लिया फ्रॉम 2 टाइम्स टू 5 टाइम्स लेवरेज। लेवरेज लेने के साथ साथ बिल हुआंग ने इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ स्वॉप अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट भी इशू कर लिए थे। इन स्वॉप अग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स अपने क्लाइंट्स को कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में एक्सपोजर देती हैं ऑन देयर बिहाफ। तो स्वॉप अग्रीमेंट में एंटर करने से ये बेनिफिट होता है कि रेगुलेटरी फाइलिंग्स में इन्वेस्टमेंट बैंक्स ही उन स्टॉक्स के ऑफिशियल ओनर डिक्लेयर होते हैं एंड जो भी गेन या लॉस होता है वो क्लाइंट का होता है। हेंस बिल हुआंग ने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ स्वॉप अग्रीमेंट्स किया था, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट स्वीस, नोमूरा एटसेट्रा। सिंस इन्वेस्टमेंट बैंक्स को केवल अपने साथ किए हुए स्वॉप अग्रीमेंट्स के बारे में पता था, हेंस इसी की वजह से रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया था, विच इवेंचुअली लेड टू अ डिजास्टर। आर्केगोस कैपिटल के ब्लोआउट के बाद काफ़ी ज़्यादा फियर एंड स्पेकुलेशन बन गया है इन स्टॉक मार्केट एंड हेंस अब इस सेक्शन में ये देखते हैं कि आर्केगोस कैपिटल का इंडियन मार्केट पर क्या इफेक्ट है या फिर फ्यूचर में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आर्केगोस कैपिटल ब्लोआउट इज नॉट लाइक द लीमन ब्रदर क्राइसिस ऑफ 2008। आर्केगोस कैपिटल सिंपली एक अनरेगुलेटेड फैमिली ऑफिस कंपनी थी जिसका पुअर रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवर लेवरेज की वजह से सारा पोर्टफोलियो का वेल्थ 2 दिन के अंदर फिनिश हो गया था। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को जो लॉस हुआ वो भी मैनेजेबल है एंड हेंस बैंक्स जैसे कि क्रेडिट स्वीस ने इस साल के लिए बोनस कट किए हैं फॉर ऑल इट्स एम्प्लॉयज। आर्केगोस कैपिटल डिजास्टर का इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स पर बहुत ही कम इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि इंडिया में लेवरेज नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। इंडिया में टोटल मार्जिन विद ऑल द ब्रोकर्स कम्बाइंड केवल $1.5 बिलियन है, जो कि काफ़ी स्मॉल फ्रैक्शन है इंडिया के टोटल मार्केट कैपिटल का, विच इज़ मोर देन $2 ट्रिलियन। इंडिया में रियल रिस्क मैक्रो पॉलिसी लेवल्स पर हैं, ऑल्दो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लेवल्स अपने ऑल टाइम हाई पर हैं एट अबाउट $576 बिलियन, बट स्टिल कोई भी ग्लोबल अनवाइंडिंग या फिर विड्रॉल ऑफ फ्लोज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी इंडियन स्टॉक मार्केट्स को बैडली हर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा रिस्क बैंकिंग सिस्टम में है। इसको मिटिगेट करने के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को साइज में छोटा एंड क्वांटिटी में ज़्यादा रखना चाहिए, सिंस उससे सिस्टेमिक रिस्क काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो एक्सप्लेनिंग अबाउट आर्केगोस कैपिटल फाइनेंशियल ब्लोआउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज। सो सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you for watching and happy learning.